ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब सेल के कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आप समझ गए कि आज का हमारा टॉपिक क्या है, आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले जो जैसा हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ा था कि सेल के जो बेसिक पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन। यही तो पढ़ा था हमने कि सेल मेम्ब्रेन होती है सेल को जो चारों तरफ से घेरे रहती है, उसके अंदर लिक्विड मटेरियल होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और उसके अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। ये पढ़ा था ना आपने। और अगर आपने हमारी मेरी पिछली क्लास मिस कर दी है तो आप क्या करोगे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, वहां जाके आप देख लेना। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। क्लियर? तो जैसे आप ये इस डायग्राम में देख रहे हो कि ये क्या है, ये एनिमल सेल है और ये क्या है, ये है प्लांट सेल। ठीक है, तो एनिमल सेल में ये जो आप ये जो डॉटेड पार्ट है ये क्या है, ये है साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर है न्यूक्लियस। ठीक, ये जो राउंड सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। क्लियर? तो आज हम इसी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका शेप क्या है, इसके बारे में हम समझेंगे। तो न्यूक्लियस जो होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर बेसिकली ये सेंटर में होता है, एनिमल सेल में तो सेंटर में ही होता है। और इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप स्फेरिकल होता है यानी राउंड। अब न्यूक्लियस के कुछ पार्ट्स होते हैं जिसके बारे में हम समझेंगे। इसके क्या पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन न्यूक्लियोप्लास्ट, फिर न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मटेरियल या क्रोमेटिन, जिसे हम क्रोमेटिन भी कहते हैं। ठीक है, तो हम वन बाय वन इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, तो जैसे हमने अपने पहले पिछली क्लास में पढ़ा था कि सेल को कौन घेरे रहता है चारों तरफ से, सेल को, वो सेल मेम्ब्रेन। तो उसी तरह से न्यूक्लियस को कौन घेरे रहेगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ से कौन घेरता है उसको, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट्स न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, है ना। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है, ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करती है ना। तो ये सेपरेट कर रही है, तो ये कैसी होती है, ये भी पोरस होती है, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन थी तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस होती है, मतलब ये सिलेक्टेड मटीरियल्स को अपने अंदर आने देती है। और इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पोर्स भी होते हैं जिसके थ्रू मटेरियल्स अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं। तो ये तो हो गई हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात। अब इसके बाद हम किस पे आ गए, इसके बाद आ गए हम न्यूक्लियोप्लाज्म। तो व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, तो न्यूक्लियोप्लाज्म वो लिक्विड होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो भी लिक्विड है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और ये किसका पार्ट होता है, ये साइटोप्लाज्म का पार्ट होता है, मतलब वो साइटोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस के अंदर चला जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर है? तो ये हो गया न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये हो गई आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया। अब इसके अंदर एक ये छोटा सा और राउंड शेप का दिख रहा है आपको, तो ये क्या है, ये है न्यूक्लियोलस। इसे क्या कहेंगे आप, इसे कहेंगे न्यूक्लियोलस। ठीक, अब न्यूक्लियोलस में क्या होता है, तो न्यूक्लियोलस जो होती है वो बेसिकली किस चीज की बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, और इसमें आरएनए होता है। अब यहाँ आप ये पूछोगे कि आरएनए क्या है, तो आरएनए जो एक जेनेटिक मटेरियल होती है, जो जिसको आप अपनी फर्दर क्लास में, जो अपने हायर क्लासेस होगी उसमें आप पढ़ोगे। बस आप यहाँ ये जान लो कि न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है और उस पर आरएनए भी होता है। तो आरएनए क्या हो गया, मैंने बताया था, तो ये जेनेटिक मटेरियल इसका क्या नाम है, आरएनए। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या है, आरएनए। बस आप यहाँ पे समझ लो कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो क्या हो गया न्यूक्लियस में, सॉरी न्यूक्लियोलस में क्या हो गया, न्यूक्लियोलस जो है वो प्रोटीन का बना होता है और उसके अंदर कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके अंदर राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए होता है।
ये आपके कोर्स में नहीं है, ये आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक। और इसमें एक चीज और होती है, इसमें क्या होता है, इसमें राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। तो न्यूक्लियोलस में क्या होता है, न्यूक्लियोलस में राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। जो राइबोसोम्स और राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम सेल के ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल्स में एक एक राइबोसोम भी है। तो इसको आगे पढ़ना है हम लोगों को, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या समझ गए, अभी हम समझ गए न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस के बारे में हमने क्या कहाँ कहाँ तक पढ़ा, न्यूक्लियस के बारे में फर्स्ट हमने पढ़ा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देन हमने पढ़ा न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसके बाद न्यूक्लियोलस, क्लियर है। और लास्ट में क्या आ गया, न्यूक्लियर मटीरियल और क्रोमेटिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें समझना है। तो इसके अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो गया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक। तो जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मटेरियल कहते हैं या क्रोमेटिन होते हैं। मतलब कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रोमेटिन, ठीक। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है इन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं या न्यूक्लियर मटेरियल कहते हैं, और ये किसके अंदर होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक। अब जब ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, जब ये थोड़े थिक हो जाते हैं, तो ये क्या बना लेते हैं, ये ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक। ये क्या हो गए, ये रिबन शेप स्ट्रक्चर बना ली। ये क्रोमेटिन क्या है, ये क्रोमेटिन है न्यूक्लियर मटीरियल, और जब ये थिक हुआ तो ये इसने कैसा स्ट्रक्चर बना लिया, रिबन लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक। तो ये हो गया क्रोमोसोम्स, हाँ। अब इसके अंदर आप देखोगे डॉट डॉट स्ट्रक्चर होते हैं, डॉट, ये, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं जीन्स। तो ये हो गए क्रोमोसोम्स, और यहां पर क्या हो गया, ये डॉटेड स्ट्रक्चर है, पॉइंट पॉइंट जैसे दिख रहा है, वो क्या है, वो जीन्स है। तो ये जीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये जीन्स हेल्प करते हैं हेरिडिटी करेक्टर को ट्रांसफर करने में, कहां पर, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग माने पेरेंट्स से अपने बच्चों में, ऑफस्प्रिंग किसे कहते हैं, उनके बच्चों को कहते हैं। तो ये जीन्स जो होते हैं ये हेल्प करते हैं हेरिडिटी करेक्टर को ट्रांसफर करने में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। अब यहाँ पे ये बात आपको थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी कि ये क्या चीज है, ये बात अच्छे से समझ में नहीं आई, तो अभी मैं इसको समझाती हूँ डिटेल में। आप ये समझो कि जैसे किसी की मम्मी या किसी के फादर अगर लंबे हैं तो उसका बच्चा क्या होता है, जनरली लंबे होते हैं। अगर किसी के पेरेंट्स लंबे हैं तो उनके बच्चे लंबे होते हैं, या जैसे किसी की फादर की आईज ब्लू है तो उनके बच्चों की क्या होगी, ब्लू होगी, या मदर की ब्लू है तो बच्चों की भी ब्लू हो सकती है, होता है ना ऐसा। तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि ये जो जीन्स होते हैं ये पेरेंट्स से जो कैरेक्टर होते हैं, जैसे वो लंबे हैं या उनकी आईज ब्लू हैं या उनके बाल घुंघराले हैं, तो ये सारी चीजें पेरेंट्स से बच्चों में चली जाती है। बहुत बार आपने सुना है ना कि आपको देख के कोई बाहर वाले लोग कहते हैं, अरे आप तो एकदम अपने मम्मी जैसे लग रहे हो, या आप एकदम अपने पापा जैसे लग रहे हो। तो ऐसा क्यों होता है, वो जीन्स की वजह से होता है। और ये जीन्स कहाँ होते हैं, ये क्रोमोसोम्स में होते हैं। और ये क्रोमोसोम कहाँ होते हैं, ये क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर मटेरियल से बनते हैं, है ना। न्यूक्लियर मटेरियल क्या है, क्रोमेटिन है, जो कि न्यूक्लियस में होता है, उसके बाद उससे क्रोमोसोम बनता है, और उस क्रोमोसोम में क्या होते हैं, जीन्स होते हैं। और ये जीन्स क्या करते हैं, ये जीन्स पेरेंट्स के कैरेक्टर को, हेरिडिटरी कैरेक्टर को किस में ट्रांसफर करते हैं, ऑफस्प्रिंग में। तो क्लियर है। तो ये अब हमने पूरा न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लिया कि न्यूक्लियस कहाँ होता है, जनरली सेल के सेंटर में होता है, ठीक। इसका शेप कैसा होता है, इसका शेप स्फेरिकल होता है, राउंड शेप होता है, और उसके चारों तरफ क्या होती है, उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जो क्या करती है, जो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करती है। फिर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो कि उसके अंदर लिक्विड, जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड भरा होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और उसके अंदर फिर क्या होती है, एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, जैसे ऐसा ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, छोटा सा गोल सा, ये होता है न्यूक्लियोलस। और ये किससे बना होता है, ये प्रोटीन से बना होता है,
और इसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, अभी मैंने बताया था ना, इसके अंदर आरएनए होता है, मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर, ये राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसके अंदर आरएनए होता है। ठीक, और यहाँ पर किस किस चीज का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर राइबोसोम्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ये भी एक ऑर्गेनल है सेल का। ठीक है, तो अब हमने ये जान लिया। अब इसके बाद कहाँ पे आ गए थे हम, न्यूक्लियर मटेरियल यानी कि क्रोमेटिन पे। क्रोमेटिन क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जो मैंने बना के दिखाए, और ये बाद में क्या हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, तो फिर क्या बन जाते हैं, क्रोमोसोम्स, और इनका शेप कैसा हो जाता है, रिबन शेप के हो जाते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, डॉटेड स्ट्रक्चर जीन्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये हेरिडिटरी करेक्टर को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करते हैं, मतलब अपने बच्चों में उनके करेक्टर जो होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं। जो जैसे भी, जैसे आँख नीला होना या हाइट ज़्यादा होना या हाइट कम होना, तो ये सारे करेक्टर्स पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये कौन करता है, ये जीन्स करता है। तो अभी क्लियर है आपको सारी बात न्यूक्लियस के बारे में। तो इसे हम एक चीज और भी कहते हैं, इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, मतलब ये सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। सेल में जो भी एक्टिविटीज होती है, कुछ बनना सेल में, कोई चीज टूटना, तो ये सारा कंट्रोल कौन करता है, ये सारा कंट्रोल न्यूक्लियस करता है, इसलिए से हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्लियर, अब नेक्स्ट हम किस पे आएंगे, नेक्स्ट आएंगे हम प्लास्टिड्स पे। तो कभी आपने प्लास्टिड्स का नाम सुना, अगर आपने नहीं सुना है तो आज मैं बताती हूँ क्या मतलब है प्लास्टिक्स का। तो जैसे मैंने बताया था कि सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखे हुए माइटोकॉन्ड्रिया, रफिया, वैक्यूल, राइट है, ये सारे सेल के ऑर्गेनल्स हैं। तो इसमें आज हम किसके किसके बारे में पढ़ रहे हैं, आज हमने पहले पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में, और अब हम पढ़ रहे हैं प्लास्टिड्स के बारे में। लेकिन आप ये देखोगे कि इसमें तो प्लास्टिड्स कहीं दिख ही नहीं रहा, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये एनिमल सेल का डायग्राम है ना। तो प्लास्टिड्स किस में होते हैं, प्लास्टिड्स होते हैं प्लांट सेल्स में। अब ये देखो, ये नीचे जो है ये क्या है, प्लांट सेल का डायग्राम है। तो इसमें क्या है, ये प्लास्टिड, ये ग्रीन ग्रीन दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये प्लास्टिड्स है। तो सबसे पहली चीज हमें प्लास्टिड्स के बारे में ये समझनी पड़ेगी कि प्लास्टिड्स जो होते हैं वो एनिमल सेल में नहीं होते हैं। याद रखनी पड़ेगी कि प्लास्टिड्स सिर्फ किस में होते हैं, प्लांट सेल में। तो अब पहली चीज तो हम ये समझ गए। अब सेकेंड क्या है, सेकेंड बात ये है कि जो प्लास्टिड्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड ल्यूकोप्लास्ट, एंड थर्ड क्लोरोप्लास्ट। तो कौन कौन से टाइप हो गए प्लास्टिड्स के, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो आपने सुना ही होगा, क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो पता है ना। तो अभी हम सबसे पहले किसकी बात करें, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, वो प्लास्टिड्स होते हैं जिनका कलर, जो कलरफुल होते हैं। मतलब आपने कभी सोचा कि फ्लावर का कलर, फूल का कलर रेड क्यों होता है, या येलो भी होता है ना, या वाइट होता है, ये बहुत सारे कलर होते हैं फ्लावर्स के। तो वो कलर कहाँ से आते हैं, तो वो कलर प्लास्टिड्स की वजह से होते हैं। और वो प्लास्टिड कहाँ पे होता है, प्लांट सेल के अंदर होता है, और उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमोप्लास्ट। इसी तरह फ्रूट्स में भी बहुत सारे कलर्स होते हैं ना, रेड कलर, एप्पल रेड कलर का है, या बनाना येलो कलर का है। तो क्यों है ये सारे, तो ये सारे कलर किस लिए होते हैं, ये सेल में, प्लांट सेल में क्रोमोप्लास्ट की वजह से ये सारे कलर होते हैं। तो ये हो गया क्रोमोप्लास्ट के बारे में। अब ल्यूकोप्लास्ट, तो ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, मतलब उसमें कोई कलर नहीं होता उन प्लास्टिड्स में। तो लेकिन उनका काम क्या है, उनका फंक्शन क्या है, तो उनका फंक्शन ये है, ये फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो आपको सबको पता ही है कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ये बात पता है ना, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, अब ये इसे हम और भी क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं किचन ऑफ द सेल, क्योंकि यहीं पे खाना बनता है। मैंने पहले बताया था ना कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या यूज होता है, क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या यूज होता है, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है वो यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गई प्लास्टिड्स के बारे में बात। तो प्लास्टिड्स क्या क्या हो गए, प्लास्टिड्स में आ गया क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट।
क्रोमोप्लास्ट जो होता है वो कलर देता है, ल्यूकोप्लास्ट फूड स्टोर करता है, और क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल, मतलब इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में खाना बनाने में यूज होता है। जो लीव्स खाना बनाती है ना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो उसमें जो क्लोरोफिल यूज होता है वो इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक, तो हमने ये समझ लिया कि प्लास्टिड्स कहाँ होंगे, ये सिर्फ प्लांट सेल्स में होंगे, एनिमल सेल्स में नहीं होंगे। क्लियर। अब हम आगे नेक्स्ट ऑर्गेनल जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल है सेल का। ठीक, आपको कभी लगता है कि हम कोई काम करते हैं तो अगर हमारे अंदर एनर्जी ना हो तो हम काम कर पाएंगे? हम नहीं कर पाएंगे, थोड़ी देर में थक जाएंगे। अगर हमें खेलना ही है तो जब तक एनर्जी नहीं है, जब तक हम खाना नहीं खाएंगे तो हम थक जाएंगे ना, हम नहीं खेल पाएंगे, वो एनर्जी हमें चाहिए होती है। इसी तरीके से सेल को भी एनर्जी चाहिए। सेल के जो भी फंक्शन है, जितने भी फंक्शन है, सेल को कुछ बनाना है, कुछ तोड़ना है, कुछ चीजें इधर से उधर ले जानी है, सेल के अंदर जानी है कोई चीजें इधर से उधर, तो वो कैसे जाएंगी? उसको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आती है इस माइटोकॉन्ड्रिया से। ठीक है, तो अब ये एनिमल सेल में देखो, ये रेड रेड दिख रहे हैं ना, ये सारे क्या है? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो अभी हमको इसके बारे में बहुत डिटेल नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं है, या आगे की क्लासेस के लिए है, लेकिन आप कुछ बेसिक चीजें इसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में समझ लीजिए। हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये देखो, ये एक स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कैसी होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर होती है, एक आउटर लेयर और एक इनर लेयर। तो आउटर लेयर क्या होती है? वो कंटिन्यूअस होती है, मतलब लगातार ऐसे बनी होती है आउटर लेयर। ठीक है, और ये भी कैसी होती है? पोरस होती है, मतलब इसमें कुछ मटेरियल आ सकते हैं, कुछ जा सकते हैं। और जो इनर मेम्ब्रेन होती है इसकी, ये कैसी होती है? ये फोल्डेड होती है, देख रहे हैं स्ट्रक्चर, फोल्डेड। तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड होती है, और आउटर मेम्ब्रेन कैसी होती है? कंटिन्यूस होती है। तो जो फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टा। ठीक, और इसके अंदर और क्या होता है? इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। और क्या होता है इसके अंदर? इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स और होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ऑक्सीजोम्स। तो बस आप यहां इतना समझ लो कि इसमें कुछ इस छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम ऑक्सीजोम्स कहते हैं, और इसकी आउटर लेयर जो होती है वो कंटिन्यूस होती है, इनर लेयर जो होती है वो फोल्डेड होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं क्रिस्टा। और इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड होता है, जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर फिर जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे मैंने पहले बताया था जेनेटिक मटेरियल आरएनए के बारे में। तो इसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? इसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम कहते हैं डीएनए। ठीक, डीएनए मतलब डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। जैसे ये आरएनए है रिबोन्यूक्लिक एसिड, तो डीएनए क्या हो गया? डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब इसके अंदर डीएनए होता है, और क्या होता है? राइबोसोम्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका अपना एक, इसकी स्पेशल करेक्टरिस्टिक है कि इसका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, जिसे हम कहते हैं डीएनए। ठीक, तो यहाँ पे तो हमने ये समझ लिया इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा है। ठीक है, अब इसका फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन ये है कि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो क्या होता है यहाँ पर? कि यहाँ पर फूड जो होता है उसका क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है, फूड का ब्रेकडाउन। कहाँ? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेकडाउन ऑफ फूड मतलब फूड का ब्रेकडाउन होता है, जिससे क्या निकलती है? जिससे निकलती है एनर्जी, एनर्जी निकलती है। ठीक, और ये एनर्जी किस फॉर्म में होती है? ये एनर्जी होती है केमिकल फॉर्म में। ठीक, तो यहां पे क्या हुआ? फूड का ब्रेकडाउन हुआ, फिर एनर्जी निकली, और वो किस फॉर्म में होगी? केमिकल फॉर्म में। और उसे क्या कहते हैं हम? उसे हम कहते हैं एटीपी, एटीपी। ठीक है, तो ये यहां पे ये एनर्जी निकली, तो एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सिर्फ मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे दे रही हूँ, जिससे आप कोई कंपटीशन दो या कोई ऐसे एग्जाम दो तो जिसमें आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ज्यादा रहे आपके कोर्स से, इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ यहाँ पे, है ना, वरना आप फर्दर क्लासेस में इसमें पढ़ोगे और इसके बारे में।
तो यहाँ पे क्या हुआ, इसका फंक्शन क्या हुआ, यहाँ पे फूड का ब्रेक डाउन हुआ और वो फूड ब्रेक होके उसमें से क्या निकली, एनर्जी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में निकली, केमिकल फॉर्म में, जिसे हमने क्या कहा, एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, अब इस एटीपी का एक नाम और भी है, मतलब इसे जनरली हम और भी कहते हैं, किस नाम से, करेंसी ऑफ सेल। अब आप ये पूछोगे करेंसी ऑफ सेल क्यों कहते हैं, तो इसलिए इसको करेंसी ऑफ सेल कहते हैं, जैसे अगर हमारे पास करेंसी है, हमारे पास पैसे हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, उसे स्पेंड करते हैं, खर्च करते हैं। तो उसी तरह से ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बना, एटीपी। तो एटीपी क्या है, एनर्जी है, केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी है, सेल से खर्च करता है, सेल से यूज करता है ना एनर्जी को, तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, करेंसी ऑफ सेल। तो ये तो हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की बात। ठीक, तो अभी हमने कौन कौन से ऑर्गेनल्स पढ़े यहाँ पे, न्यूक्लियस, ब्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया, और कुछ और ऑर्गेनल्स हैं जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल। ठीक है, तो अभी हमने जो न्यूक्लियस पढ़ा था, तो इसके फंक्शन के बारे में हमने क्या जाना था, न्यूक्लियस के फंक्शन, ये क्या करता है, एक तो ये सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और क्या करता है, ये इसके अंदर जीन्स होते हैं, है ना, सेल के न्यूक्लियोलस के अंदर, सॉरी सेल के न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है उसके अंदर ही तो जीन्स होते हैं। न्यूक्लियर मटेरियल क्या होता है, क्रोमेटिन होता है, जो कि क्रोमोसोम में बदलता है और फिर उसके अंदर जीन्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हेरिडिटी करेक्टर को ट्रांसफर करते हैं। और ये क्रोमोसोम हमें कब दिखते हैं, जब सेल डिवाइड होता है, तो वो न्यूक्लियस के थ्रू होता है। ठीक, और ये न्यूक्लियस जो होता है वो सेल की सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, तो मैंने पहले ही बताया था। तो ये सारे हो गए न्यूक्लियस के फंक्शन। ब्लास्टिड्स के फंक्शन आपको पता ही चल गए कि क्या होते हैं, ये कलर देते हैं, और जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, वो ग्रीन कलर का होता है, तो वो किचन ऑफ द सेल होता है, मतलब वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाने में हेल्प करता है, और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो फूड को स्टोर करता है सेल के अंदर। तो ये हमने ब्लास्टिड जान लिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को, हाँ यहाँ पे एक बात मैं बताना भूल गई कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, तो यहाँ मैंने, मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी चीजें सेल ऑर्गेनल के बारे में बहुत सारी बातें पता चल गई होंगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, फिर भी कोई डाउट्स हैं आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, और जो सेल के कुछ और ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, आपने पहली बार मेरा वीडियो देखा है, तो आप नीचे सब्सक्राइब का बटन है, वहाँ पे आप सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन दबा देना, जिससे आपको मेरे सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।